मैं राकेश चौहान आपका साइंस टीचर आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 4 हमारे यूनिट चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट यानी 10वां यूनिट कक्षा 10 के लिए और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 4। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया था सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन हमने पढ़ लिया था और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों के संयोजन दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो आपने समांतर क्रम यानी कोई भी दो समांतर रेखाएं पढ़ी होगी गणित में, जैसे आपके पास कोई एक रेखा है AB और दूसरी है BC, ये दोनों आपस में समांतर है यानी ये इसके समांतर है, तो ऐसा क्रम एक के ऊपर एक के समांतर दूसरी, दूसरी के समांतर तीसरी, यानी इस प्रकार का संयोजन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। तो मैं इसको आपको एक बार इसकी स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध कैसे जुड़े होते हैं। आप उसी स्ट्रक्चर को देख के उनकी डेरिवेशन फॉर्म निकालेंगे और लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा हमें वही याद रखना है जो अंकित प्रश्न इस यूनिट से जो अंकित प्रश्न पूछे जाएंगे वो कैसे सरल करेंगे। तो अब ये कोई है एक परिपथ है, इसमें तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ये कोई परिपथ है जिसमें तीन प्रतिरोध, में पहले को R1 नाम दे रहा हूं, दूसरे को R2 और तीसरे को R3, ये जुड़े हुए हैं एक समांतर क्रम में और यहां से जुड़ी हुई ये कोई बैंड है। V1 और यहां से प्रवाहित हो रही है धारा और विद्युत धारा प्रवाहित होती है प्लस से माइनस की ओर, तो थोड़ा ध्यान देना यहां विद्युत धारा I और यहां भी I है, लेकिन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में एक मुख्यता यह डिफरेंस है कि इसमें धारा अलग अलग होगी और उसमें धारा क्या थी समान थी, यानी यहां धारा को जाने के लिए तीन रास्ते, यानी यहां से धारा सर्किट में इधर जाएगी और इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। मैं मान लेता हूं यहां जाएगी I1, यहां ले दू I2 और यहां I3। तो पहला पॉइंट याद रखना है समांतर क्रम संयोजन में आपको इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, धारा का मान भिन्न भिन्न होता है और धारा भिन्न होगी तो दूसरा पॉइंट आपको बताया था याद रखने का तरीका, तो यहां से लेके यहां तक जो V होगा वो एक ही होगा सबके लिए, तो दूसरा याद रखना परिपथ में विभवांतर का मान समान होगा। और ठीक उसी प्रकार दो बातें हमने श्रेणी क्रम में पढ़ी और तीसरी और चौथी बात जो हम जब हम इसका डेरिवेशन फॉर्म निकालेंगे तो लास्ट में पढ़ेंगे जिससे सिद्ध हो जाएगा तीसरा कदम और चौथा कदम। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं ओम के नियम से, हम जानते हैं ओम के नियम अनुसार ओम का नियम कहता है V बराबर IR, इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट और एक तरीका बताया था इसका डेरिवेशन फॉर्म निकालने का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का, जो चीज आपको भिन्न नजर आ रही है
यदि यहां पे बिन क्या है, धारा का मान क्या होता प्रत्येक में बिन, तो आप उसकी वैल्यू निकालो और टोटल निकालो और v बराबर ir के संबंध करो तो आपको फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें ये धारा बिन है तो मैं होंगे जिनसे i की वैल्यू निकाल सकते हो आसान से, तो i इज इक्वल टू v अपॉन r और मैं इसको दे रहा हूं इक्वेशन sin। अब ध्यान देना थोड़ा सा, अगर आपको पूछ ले कि धारा बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध है तो पहले के लिए कितनी धारा होगी, तो पहले सर्किट में धारा कितनी जा रही है i1, तो यह हो जाएगी R1 के लिए यानी ये पहला सवाल है R1 के लिए I1 की वैल्यू, I1 का मान आसानी से बता सकते हो आप। एक बार तो भूल जाओ, हमारे केवल ये याद रखना है I बराबर V बटा R। अब आप सर्किट कौन सा यूज करो, पहले में धारा कितनी है I1, तो यहां कितनी हो जाएगी I1, और यहां पे ये कह रहा है विभवांतर का मान चेंज नहीं करना है, सबके लिए क्या रखना है V रखना है क्योंकि क्रम कौन सा है समांतर क्रम, तो विभवांतर चेंज नहीं और पहले के लिए तो R पर मैं इसको दे रहा इक्वेशन हट। इसी प्रकार R2 के लिए अगर पहला समझ में आ गया तो दूसरा और तीसरा आसान से हो जाएगा। R2 के लिए I2 का मान I2 बराबर V बट्टा R2, ये हो जाएगा समीकरण 4। और इसी प्रकार तीसरे के लिए R3 के लिए I3 का मान तो I3 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R3। मैं इसको इक्वेशन दे रहा हूं 5। अगर आपको पूछ लिया जाए पहले में I1 इतनी जा रही है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है, तो टोटल कितना जा रहा है यानी कुल धारा कितनी हो जाएगी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल धारा का मान कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और I1 की वैल्यू हमारे पास है V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3, सबकी वैल्यू हमारे पास है और टोटल में क्या है I बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो एक चीज यहां ध्यान देने योग्य यह है कि आप यहां पे आपको क्या कॉमन राशि नजर आ रही है, यहां पर सब में एक ऐसी राशि नजर आ रही है V, जो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, V कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा V, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मैं इसको नई इक्वेशन दे रहा हूं इक्वेशन 6, और यहां पे आप चेंज कर सकते हो V गुणा में है ना, कहां चला जाएगा भाग में चला जाएगा, यानी I अपॉन V, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां पे थोड़ा ध्यान देना I अपॉन V, समीकरण 2 को ध्यान में रखते हुए I अपनी जगह पे है, V चला जाएगा नीचे, तो हमारे पास 1/R, यानी I अपॉन V की वैल्यू क्या आ रही है, I अपॉन V की वैल्यू आ रही है 1/R, यानी 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला आपको लास्ट में याद रखना है, और जो दो बातें हैं मैं एक बार यहां बता देता हूं, यानी इस सूत्र से अनुसार इसको मैं लिख सकता हूं R टोटल या R तुल्य, तो R 1/R तुल्य का मान उसमें जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के क्या होगा, योग के तुल्य होगा। यानी तीसरा पॉइंट ये है कि R तुल्य का मान उसमें जुड़े प्रत्येक प्रतिरोधों के योग के, प्रत्येक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के तुल्य होता है। तो ये फॉर्मूला लास्ट में आपको याद रखना। अब हम करते हैं आंतरिक प्रश्न, यानी श्रेणी क्रम तथा
समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन पर आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा लेना एसएससी यूनिट से आंकिक प्रश्न तो इंपॉर्टेंट लगा लेना। जो हमने अभी क्वेरी बेस पढ़ी थी श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम की, तो मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से। यदि किसी परिपथ में तीन प्रतिरोध क्रमशः 6 ओम, 12 ओम तथा 18 ओम, 6 ओम, 12 ओम तथा 18 ओम के श्रेणीक्रम में संयोजित है तो उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। आपको क्वेश्चन देखा, मेरे क्वेश्चन को आप समझो। किसी परिपथ में तीन प्रतिरोध है जो क्रमशः 6 ओम का है पहला, दूसरा 12 ओम का, तीसरा 18 ओम का, और यहां ध्यान रहे कौन से क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, और टोटल आपको ज्ञात करना है आर तुल्य, और उसके लिए कैसे निकालते हैं। यहां से हमें पता चल गया परिपथ कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तो मैं हल करता हूं इस क्वेश्चन का। आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या राशि गिवन है, आपको तो एक दो तीन प्रतिरोध दे रहे हैं, मैं पहले को मान लेता हूं आर वन और दूसरे को मान लेता हूं आर टू और तीसरे को मान लेता हूं आर थ्री। आर वन हमारे पास 6 ओम है, आर टू हमारे पास से 12 ओम और आर थ्री हमारे पास से 18 ओम, तो टोटल तीन प्रतिरोध आपको दे रहे हैं आर वन आर टू आर थ्री, और क्रम कौन सा है, श्रेणी क्रम, कौन सा क्रम है, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम। और हम जानते हैं श्रेणी क्रम में आर टोटल यानी आर तुल्य आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इसी प्रकार अगर चार हो तो आर फोर आर फाइव आर सिक्स हम कर सकते हैं। और हमारे पास आर वन की वैल्यू गिवन है, आर टू की गिवन है और आर थ्री की भी गिवन है, तो मैं फॉर्मूले इसको मैं इक्वेशन पर दे दूं। इस इक्वेशन में आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू पुट अप करने पर यानी आर टू भी लिख सकते हो आप, आर टोटल लिख सकते हो, आर टू लिख सकते हो, आर वन हमारे पास 6 ओम, आर टू हमारे पास है 12 ओम और आर थ्री हमारे पास है 18 ओम। तो ध्यान देना टोटल इसकी जोड़ कितनी हुई, पहले तो मैं केवल संख्या ओम शब्द में से कॉमन ले लेता, आर टू लिए ओम मैंने शब्द में से क्या ले लिया, बार ले लिया कॉमन, 12 और 6 18 और 18 और 18 कितना हो गया 36, और इसको हमने वापस गुणा कर लिया तो टोटल हमारे यहां से कितना आएगा 36 ओम, यानी उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना ओम होगा, 36 ओम होगा। कब होगा, जब पहला आपको 6 देगा, दूसरा 12, तीसरा 18, यानी ये चेंजेस हो सकते हैं, पहला 18 हो सकता है, लेकिन तीन प्रतिरोध जो 6, 12, 18 के हैं अगर वो श्रेणी क्रम में संयोजित है तो कुल प्रतिरोध का मान आपको निकालने का बोले तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री निकाल सकते हैं। और मैं बढ़ता हूं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है, थोड़ा चेंजेस है, तीन प्रतिरोध 5 ओम 10 ओम तथा 15 ओम के संयोजित है तथा इसे 15 वोल्ट की बैटरी
बैटरी से जोड़ दिया जाए तो 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो आपको क्या क्या याद करना है। एक तो इसमें R इक्विवेलेंट यानी R को भी आपको याद करना है, R तुल्य यानी R टोटल याद करना है। दूसरा आपको इसमें याद करना है धारा का मान। आपको कंफ्यूजन के लिए यहां पूछेगा प्रतीक में धारा का मान, लेकिन हमें पता होना चाहिए अगर प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में है तो सब में धारा का मान क्या आएगा, समान आएगा। तो यहां आपको कंफ्यूजन के लिए पूछेगा प्रत्येक में धारा का मान, प्रत्येक में धारा कितनी होगी, प्रत्येक में धारा। तो मैं सॉल्यूशन की ओर बढ़ता हूं। आपको गिवन से लेके तीन प्रतिरोध आपको गिवन है, पहला है 5 ओम, दूसरा है 10 ओम और तीसरा है 15 ओम। और इस परिपथ को अगर 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे हम तो हमें कितना प्रतिरोध मिलेगा टोटल और हमें कितनी धारा मिलेगी। प्रत्येक में धारा यानी एक में ज्ञात होगी तो सब में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। इसमें श्रेणी क्रम संयोजन है तो यहाँ पे गिवन है आर1 की वैल्यू, आर2 की वैल्यू और आर3 की वैल्यू। आर1 आर2 आर3 आपको दे रहा है 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम। आर1 आर2 गिवन है और एक राशि और दे रखी है बी की वैल्यू यानी विभवांतर है 15 वोल्ट। और पूछा गया है पहला ज्ञात कर रहा हूं आर तुल्य या आर टोटल। आर तुल्य होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आर वन की वैल्यू क्या होगी 5 ओम, आर टू की वैल्यू 10 ओम, आर थ्री की वैल्यू 15 ओम। तो आर टोटल आर तुल्य इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल 15 और 15 30 ओम। कितना हो जाएगा आर के लिए 30 ओम। यहां पे ये ध्यान देना आर के लिए आप आर भी लिख सकते हो या आर टोटल भी लिख सकते हो या आर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। अब वो पूछा गया है आपको प्रतीक में धारा, हम तो हम जानते हैं ओम के अनुसार, ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार ओम का नियम कहता है वी बराबर आई आर। यहां से हम धारा कब निकाल सकते हैं जब हमारे पास V की वैल्यू गिवन हो और R की वैल्यू गिवन हो। आप इस क्वेश्चन में नोट करें हमारे पास R1 R2 R3 तीनों अलग अलग है लेकिन हमने R इक्विवेलेंट निकाल लिया, 30 आया हमारे पास और V ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। क्या हम I की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो पक्षांतर करते हैं आई बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा वी अपॉन आर। यहाँ पे वी की वैल्यू गिवन है एंड ऑल्सो आर इज गिवन, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एन इलेक्ट्रिक I is equal to V, V हमारे पास है 15 वोल्ट और R हमारे पास गिवन है 30, ये कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। धारा जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो धारा का मात्रक आपको बताया गया था एम्पीयर, क्या बताया गया था एम्पीयर, यानी दो क्वेश्चन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास यदि यदि 3-6 ओम के प्रतिरोध, 6 ओम के प्रतिरोध की प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है तो उस परिपथ का उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। उस प्रतिरोध का आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है उस परिपथ में जिसमें 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, तो आपको ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध। तो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले पता होना चाहिए समांतर क्रम जो हमने इसी क्लास में पढ़ा था उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/R1, ये होगा आर टोटल, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको मैं देखा क्वेश्चन फर्स्ट और आपके पास इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चाहिए 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं जो प्रत्येक जितने का है 6
6 ओम का, यानी R1 की वैल्यू भी आपके पास 6 ओम होनी चाहिए, R2 की वैल्यू भी कितनी ओम होनी चाहिए 6 ओम, और R3 की वैल्यू भी होनी चाहिए 6 ओम। यानी हमारे पास R1 R2 R3 की वैल्यू है 6 ओम। आपको क्या करना है, R टोटल, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूं 1/R टोटल 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब इसको आगे से हमें करना, गणित का मेथड है, एलसीएम लेना है, 6 आएगा यहां एलसीएम। अब 6 का भाग 6 में एक बार, 1 × 1 इसी तरह 6 का भाग 6 में 1 प्लस 1 यानी 3/6 यानी 1/2। लेकिन थोड़ा यहां ध्यान देना, हमें 1/r वैल्यू नहीं चाहिए, हमें r टोटल r के लिए। यही पे स्टूडेंट गलती करता है, 1/2 आंसर दे देता है, लेकिन r टोटल पूछा जाएगा किसका उल्टा, यानी 2 कितना होगा 2। आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, तो चौथा क्वेश्चन जो आपको एक परिपथ बने हुए परिपथ ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा और इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी ये एक श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी, यानी तीन श्रेणी है, यानी ये तो हो जाएगा श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, और यहाँ ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो यहाँ ये हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम का 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 R2 R3 की वैल्यू हमारे पास है 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो टोटल R बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2, टोटल R हो जाएगा हमारे पास 6, कितना हो जाएगा 6 ओम। और अगर इसमें याद करना है 1/R, R1 के लिए गिवन है 2, R2 की 2 और R3 की भी 2, 1/2 प्लस 1/2 और इसमें 1/2, एलसीएम निकाल रहे हैं तीनों का 2, वही तरीका 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/2, ये हो जाएगा हमारे पास 1/R, लेकिन हमें चाहिए क्या R, तो इसका उल्टा कर लो 2/3, तो R टोटल इसमें 2/3 और इसमें 6। तो हमेशा समांतर क्रम में तो कम आएगा और श्रेणी क्रम में R टोटल की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, अधिक आएगी। तो आज की क्लास में हमने समांतर क्रम संयोजन एक डेरिवेशन फॉर्म पढ़ा, और श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम के आंकिक प्रश्न किए, और आगे आने वाली क्लास में हम विद्युत धारा का